बुलंदशहर में ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला सामने आया है। गुलावटी में टहलने निकले बुआ भतीजे की तेज रफ्तार कार से रौंदकर हुई दोनों की मौत। शराब के नशे में धुत चालक को पुलिस ने हिरासत में लेकर कार को कब्जे में लिया। पुलिस ने मृतकों के शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेजा। कार में पड़ी दिखी शराब, पानी की खाली बोतलें और खाली गिलास। यह हादसा गुलावटी कोतवाली क्षेत्र में हाईवे पर हुआ। आज दिनांक 5 सितंबर 2024 को थाना गुलावटी क्षेत्र अंतर्गत एक स्विफ्ट कार से दो महिलाओं की दुर्घटना से मृत्यु हो गई है। इस संबंध में पुलिस के द्वारा आरोपित वाहन चालक एवं उपरोक्त वाहन को अपने कब्जे में ले लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है एवं परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर से नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।